डॉक्टर साहब, एक बात आपने और की जो बड़ी डेंजरस है। मान के अंदर एक इमाम बारगाह के ऊपर अटैक हुआ, और जो हमें सोशल मीडिया से पहले खबरें मिली सुबह उठ के, वो ये थी कि एक इमाम बारगाह पे ओमान के ऊपर हमला हुआ। तो फिर मुझे पता चला कितनी खौफनाक न्यूज है, और 900 के करीब मैंने सुना है कि पाकिस्तानी वहां पे थे जब ये पहले हमला हुआ। अहले सुन्नत ने अहले तशी के ऊपर हमला कर दिया, और ये हमारी लड़ाई चल रही है, सदियों से चल रही है। ये ऐसा नहीं है, इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। किस खबर को इसलिए शायद दबाया जा रहा है कि वहां ये दरमियान में ये एक जी खतरात और गोलियां और घरों से ना निकलना, ये टेंशन लाने का और दोनों को एक दूसरे के मुकाबले खड़े करने का जिम्मेदार कौन है? ईरान को, यानी वो जो ईरान और अरब ममालिक का प्रॉक्सी वार यहाँ आ गया, उसकी वजह से मसला पैदा, और यहाँ पर फिर उसके नाम पे मदरसे बन गए, ये सिलसिला शुरू होगा कि फलाना काफिर। मान के अंदर एक इमाम बारगाह के ऊपर अटैक हुआ, और जो हमें सोशल मीडिया से पहले खबरें मिली सुबह उठ के, वो ये थी कि एक इमाम बारगाह पे ओमान के ऊपर हमला हुआ, उसमें 4 लोग शहीद हो गए हैं और कोई 5-6 जख्मी हैं। तो फिर मुझे पता चला कितनी खौफनाक न्यूज़ है, और जो लोगों को बताई नहीं जा रही। पूरा जो मिडल ईस्ट का मीडिया है वो इसके ऊपर खामोश है। मिडल ईस्ट में कोई मुल्क नहीं है जो इसके ऊपर बात कर रहा है, क्योंकि सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई है। ये इमाम बारगाह जो है, इसके मतलब आपको मैं कुछ डिटेल्स बताऊं पहले, कि ये जो है इसे कहते हैं, मैं सॉरी ये लिखी भी है सारी, अलवादी अल कबीर एरिया, ये अलवादी का इमाम बारगाह है, और ये पाकिस्तानियों ने बनाया हुआ है। और इसमें जो क्राउड था कल, वो तकरीबन पाकिस्तानी थे, और वो सैकड़ों के करीब लोग थे, और 900 के करीब मैंने सुना है कि पाकिस्तानी वहाँ पर थे जब ये पहले हमला हुआ। और उसके बाद अब तकरीबन इस वक्त 2 बज रहे हैं दोपहर के पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, और ये अभी तक वहाँ पे जारी, लेकिन अभी तक वो अंदर हैं और उनके पास हॉस्टेजेस हैं। तकरीबन 500 के करीब पाकिस्तानियों को उस इमाम बारगाह से निकाल लिया गया है, और अंदर दर्जनों जो हैं वो अभी भी अंदर कैद हैं, और अभी भी अंदर से स्नाइपर फायरिंग भी हो रही है। वो जो डिफरेंट किस्म का असला है वो इस्तेमाल हो रहा है, मुझे उसकी तफसीलात तो नहीं पता, लेकिन बड़ी शदीद क्रिटिकल सिचुएशन है। पाकिस्तान के एम्बेसडर ने इसके ऊपर एक एडवाइजरी जारी की है, पाकिस्तान एम्बेसी ने भी इसके ऊपर एक एडवाइजरी जारी की है, और अभी तक वहाँ पे मारे जाने वाले लोग जो हैं, हमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि 25 से तजावज़ कर गए, और 90 के करीब ऐसे हैं जो शदीद या इंतहाई जख्मी। अभी तक वहाँ पे मुसल्ला अफराद के ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। डॉक्टर साहब, एक बात आपने और की जो बड़ी डेंजरस है, मुझे मैं दोबारा री इन्फोर्स करना चाहूंगा। तो बात इतनी आसान नहीं है, बात इतनी छोटी नहीं है, ये सारे लोगों को पता है। और जिस तरीके से हमें इस वक्त हमारे खिलाफ एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, एक पूरी मशीनरी हमारे खिलाफ काम कर रही है, वी आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल ऑफ कंजर्वेटिज्म। और उन्होंने अंदर भी घुसे हुए हैं, उन्होंने हॉस्टेज भी रखे हुए हैं, बाहर भी हैं, और अभी तक लगता ही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके अपने अंदर भी कैजुअलिटीज हो गई हैं, और ओमान आर्मी के 2 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं वहाँ से रेस्क्यू करते हुए। उनकी पुलिस भी है वहाँ पे, उनकी पैरामिलिट्री भी है, वो सारे इसके ऊपर एक कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और पूरे मिडल ईस्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, इस खबर को बिल्कुल सप्रेस किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया में मुझे नहीं पता इसकी खबर कितनी चल रही है या नहीं चल रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं। और मुझे सोशल मीडिया पे भी सिर्फ मैंने ट्विटर पे या एक्स पे मैंने चंद एक खबरें देखी। अब जो पाकिस्तान एम्बेसडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी आप बिल्कुल काम रहें, कंट्रोल रहें, रिएक्ट ना करें, और अपने अपने घरों में रहें, और इस एरिया की तरफ मत जाएं। और ये उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने ओमानी सिक्योरिटी फोर्सेज को बहुत खराज तहसीन पेश किया है कि वहाँ पर बड़ी जीदारी से और दलेरी से पाकिस्तानियों को और इन तमाम महसूरीन को बचाने की कोशिश लगी हुई है। वो ये रहा है कि नॉर्मली इसको आप शिया सुन्नी के तनाजुर में लेंगे कि जनाब अहले सुन्नत ने अहले तशी के ऊपर हमला कर दिया, और ये हमारी लड़ाई चल रही है, सदियों से चल रही है। ये ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट। और ओमान के अंदर क्यों? ओमान के अंदर इसलिए कि पूरे मिडल ईस्ट के रीजन को डिस्टेबलाइज करना, क्योंकि इस वक्त आप देखें पिछले 7 अक्टूबर से अभी तक जो मिडल ईस्ट के अंदर सूरत हाल है,
वो ये कि एक तरफ हमास है जो कट्टर सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है और एक तरफ हिजबुल्ला है वो कट्टर शिया अहले तशी ऑर्गेनाइजेशन है, और दोनों का हदफ एक है। दोनों पहली बारी तारीख में हमने देखा है कि अहले तशी और अहले सुन्नत जो हैं वो एक साथ जो है वो इसराइल के ऊपर हमला आवर हुए हुए हैं। इसको शायद दबाने का भी मिडल ईस्ट में जो मतलब समझ आता है वो समझ इसलिए आता है कि इस खबर को इसलिए शायद दबाया जा रहा है कि वहाँ पे मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ शहरियत के मुख्तलिफ मजाहिब के लोग एक साथ बसते हैं और मौजूद हैं। अगर इस तरह की फिरका वराना उसको रंग पड़ जाए और वो निकल जाए तो वो तो पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज कर सकती है। ये दरमियान में ये कि जी खतरात और गोलियां और घरों से ना निकलना, ये टेंशन लाने का और दोनों को एक दूसरे के मुकाबले खड़े करने का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों का जब आप तयन करते हैं तो यह किस्सा बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन जो एक हालिया लहर है या क्याम पाकिस्तान के बाद की बात करूँगा, ज़ाहिर है यहाँ पे इनकलाब ईरान और इनकलाब ईरान को भी वो मज़हबी से ज़्यादा सियासी मारका और उसको एक मज़हबी रंग दिया गया और फिर पूरा खलीज उसके ख़िलाफ़, खलीज के अरब उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, और वहाँ से जो शिद्दत है सुन्नी शिया का वो अरब दुनिया में भी और सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में ये परवान चढ़ा, और इवन अरब दुनिया में भी इराक़ के अंदर एक बड़ी आबादी, तकरीबन मुसलमान आबादी में से अक्सरियती आबादी शिया आबादी है, लबनान में, सीरिया में, यमन में, जहाँ शिया आबाद थे और जहाँ सुन्नी थे इकट्ठे रहते थे, शादियाँ करते थे, एक ही महफिल में उठना बैठना। फिर ये दोनों साइड से जब ये हो गया और वो सिलसिला पाकिस्तान में भी एक फिक्र के लोगों ने ईरान को, यानी वो जो ईरान और अरब मालिक का प्रॉक्सी वार यहाँ तक आ गया उसकी वजह से मसला पैदा, और यहाँ पर फिर उसके नाम पे मदरसे बन गए, ये सिलसिला शुरू होगा कि फलाना काफिर फलाना को मारो, ये तकफीरी सोच और मारने मरवाने का जो ये फतवे आ गए, इसने यहाँ के हालात जो इंतहा तक पहुँचा दिए। मैं ये नहीं कहता कि शिया सुन्नी इख्तलाफ नहीं था, ये सदियों से है और फिर भी रहेगा, लेकिन इस इख्तलाफ को अंदर भी उनके मुख्तलिफ इख्तलाफात हैं, सुन्नियों के अंदर भी फिर हमारे मुख्तलिफ फिकी बुनियादों पर इख्तलाफात हैं, तो इख्तलाफ अगर इख्तलाफ के दायरे में रहे और दुश्मनी ना बने तो वो तो रहमत होती है, रहमत नहीं होती। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।